नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग कोरोना के बढ़ते मामले में चिंताजनक हैं। जो प्रोटोकॉल है उसका लोगों को पालन करना चाहिए। कोरोना का संक्रमण थोड़ा बड़ा है, हमने अपनी चिकित्सक सेवाएं कम नहीं की हैं। लोग सोच रहे हैं कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन ये गलत सोच है। लेकिन जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेसी नेताओं द्वारा साइकिल से विधानसभा जाने पर कहा, कांग्रेस की अजब गजब कहानी है। मुख्यमंत्रियों के बंगलों पर करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जेट में घूम रहे हैं, आईफा अवार्ड कर रहे थे। कांग्रेस की फिजूल खर्च का परिणाम है पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना, नाटक नौटंकी है। अगर कांग्रेसी साइकिल चला रहे हैं तो परमानेंट चलाएं, जनता को गुमराह करने की कोशिश है। मीडिया स्टंट है, खबरों में बनने के लिए विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से प्रदेश की जनता के लिए विकास किया जा सके। देखिए, पहले से ही हम कहते आए हैं कि कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना की गति मध्यम जरूर हुई थी, परंतु हम जिस प्रकार से देख रहे हैं महाराष्ट्र, केरल और देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, तो उसके साथ ही हमारे शहरों में भी अपेक्षाकृत जो पिछले एक महीने से संख्या थी उसमें थोड़ा सा कुछ इजाफा हुआ है। हम पहले से कहते आए हैं कि हम सबको आचार संहिता का ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था कि दवाई के साथ साथ कड़ाई भी, तो कहीं ना कहीं कड़ाई के साथ हमें हमारे प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क का उपयोग हम करें, ये सुनिश्चित करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और उसके साथ साथ ये जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सब को कोरोना से अपने आप को बचाव यदि करना है तो हमें अनुशासन का पालन करना होगा। देखिए, सीधी बात है कि क्योंकि ऐसा लगता है कि कोरोना का फिर से संक्रमण थोड़ा सा बड़ा है, तो हमने सभी हमारी जो व्यवस्थाएं उसको पहले से ही चौक चौबंद करके रखा है। हमारी जो चिकित्सीय व्यवस्थाएं हैं उसमें हमने कहीं कोई कमी नहीं की है। जो भी हमारे कोरोना के इलाज के अस्पताल में बिस्तरों की संख्या है वो हमारी सफिशिएंट है। हमारे पास ऑक्सीजन पूरी तरह से है, वेंटिलेटर की पूरी व्यवस्था है। जन जागरण को लेकर जरूर हम सबको फिर से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ये जरूर मन और मस्तिष्क में विचार आ गया था कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त हुआ है, पर हमें कोरोना का के आचार संहिता का पूरा पालन करना चाहिए। वैक्सीनेशन हमारे प्रदेश में सुचारू रूप से चल रहा है। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन के बाद भी, दूसरे डोज के बाद भी हमें 45 दिन तक रुकना है, उसी के बाद एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो जब तक एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो जाती और पूरी तरह वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमें जरूर कड़ाई से सभी नियमों का पालन करना चाहिए। मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार की पूरी व्यवस्था है, कोरोना के इलाज की हम पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू करे हुए हैं। यदि मध्यम भी हुआ था, कम भी हुआ था, तब भी हमने हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में कमी नहीं की थी, इसलिए हमारी स्वास्थ्य सेवाएं एकदम चौक चौबंद है। पर संक्रमण ना बढ़े ये हम सबको जरूर ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस की अजब गजब कहानी है, जब 15 महीने में सरकार में थे तो हवाई जहाज से नीचे की बात नहीं करते थे, जेट खरीदा, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगले में करोड़ों रुपए खर्च किया, और उसके कारण गरीब जनता पर पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का काम कमलनाथ जी ने किया। ये हमारी सरकार ने नहीं किया, ये जो वैट बढ़ा है ये कांग्रेस की सरकार के समय बढ़ा है, कमलनाथ जी की सरकार के समय बढ़ा है। पहले तो आप जेट में घूम रहे थे, क्या जरूरत थी मध्य प्रदेश में जेट खरीदने की? हमने उसका उस समय भी विरोध किया था। क्या जरूरत थी आईफा अवार्ड आयोजित करने की? हमने उस समय भी विरोध किया था। क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री के बंगले पर करोड़ों रुपए लगाने की? हमने उस समय भी विरोध किया था। क्या जरूरत थी मंत्रियों के बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च करने की? हमने उस समय भी विरोध किया था। और ये सब जो फिजूल खर्ची कांग्रेस ने की उसी का परिणाम है कि उस समय की कमलनाथ की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट बढ़ाया था, और उसके कारण आज ये स्थिति बनी है। मुझे लगता है ये नाटक नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा। यदि उस समय कांग्रेस की सरकार जमीन पर रहती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। जमीन पर रहने वाली सरकार
विकास काम का काम करती है और हवाई जहाज में उड़ने वाली कमलनाथ की सरकार ने केवल जनता की जेब को लूटने का काम किया। विधायक साइकिल चला के विधानसभा जाना। अब देखिए नाटक नौटंकी पब्लिसिटी स्टंट है क्योंकि जनता नकार चुकी है और आप लोगों की कैमरे में वो कैद हो सके इसलिए इस तरह की नाटक नौटंकी कर रहा। मैं चुनौती देता हूँ कमलनाथ जी को, मैं चुनौती देता हूँ कांग्रेस के बाकी विधायकों को, यदि आज वो साइकिल चला रहे हैं तो ये घोषणा करें कि वो परमानेंट साइकिल पर चलेंगे तो हम समझ पाएंगे कि उनका ये विरोध प्रदर्शन का कोई मायने है। केवल एक दिन 100-200 फीट साइकिल चलाकर और मीडिया की सुर्खियां बनना और कल पेपर में छप जाए इसलिए फोटो सेशन करना ये शोभा नहीं देता, ये राजनीति का ढंग नहीं है, ये केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है, फोटो सेशन है और ये फोटो सेशन के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश है। मैं कमलनाथ जी और कांग्रेस के बाकी नेताओं को ये निवेदन करूंगा कि वो सही मायने में यदि विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आज घोषणा करें कि वो परमानेंट रूप से साइकिल पर चलेंगे। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।